ब्रेकफास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਪਰਾਂਠਾ ਔਰ ਆਲੂ ਤੋਰੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਕੜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਲਈ। हेलो जी, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माई चैनल पंजाबी ब्लॉगर रितिका शर्मा। रियल लाइफ सवेर का टाइम आ, तो अज दिन हैगा बुधवार, ब्रेकफास्ट हो चुका, बाकी मेरे सारे काम पे आ, बस हूँ मैं अपने काम कार करने हैं जी। अगर आप जी ने मेरी अज की वीडियो वधिया लगी प्लीज़ लाइक शेयर सबसक्राइब जरूर कर लियो। किचन साफ करने तो पहला मैं इधर आ गई सी बैडरूम के बीच, पहला जड़ा ये बैडरूम आ सारा सैट करूँगी, जो कपड़े उपर लेन वाले आना तेल गा के बैड बॉक्स में रखने आ। तो उस तो बाद मैं वीडियो बना नहीं पाई, फोन की स्टोरेज है किसी फुल क्योंकि फोन च वीडियो बहुत बनिया पे, तो करके फिर मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई। हूँ यह कि शाम टाइम की वीडियो, तो पकौड़े बनाई सी मैं बनाऊँगी कढ़ी, शाम का टाइम है तो बच्चों के लिए पकौड़े बना रही सी, थोड़े जे पकौड़े रख ले सी कढ़ी के बिच पा दूँगी। तो हूँ मैं जोड़ी दही होंगी उन्होंने मिक्सर के पा के लस्सी बना रही हूँ कढ़ी दे, तो मैं दही की बनानी हूँ कढ़ी, बहुत टेस्टी बनती है। बच्चों मैं पकौड़े खवाते सी लंच के, उन्होंने पकौड़े खाते सी, तो हूँ डिनर के अपनी कढ़ी तैयार हो जानी है। फोन की स्टोरेज बिल्कुल फुल सी, वीडियो बहुत घट बना पाई मैं क्योंकि बहुत वीडियो पे, जो वृंदावन गए से वह भी पे। तो इधर मैं कढ़ी रखती सी बनी, कढ़ी कढ़ रही है तो हूँ मैं अपने दूसरे काम करूँगी, और भांडे का ढेर बहुत ज़्यादा लग्या पिया। इधर शर्मा जी भी आ गए सी, अज का डिनर मेरा यही होना कढ़ी चावल। तो हूँ मैं लगी हाँ मशीन के बीच कपड़े लगा, भांडे बाद में साफ कर। इदा है जब तक मेरे इधर के डिनर के काम होणगे, भांडे साफ होणगे, कढ़ी चावल बनणगे, उन्नी देर के बीच कपड़े धोते जाणगे। मैनू रात को कपड़े धोने ज़्यादा वधिया लगते हैं, कपड़े धो के इत्थे पा दिंदी हुंनी आं स्टैंड ते, सवेरे जिहड़ा कोई जीन्स वगैरह नहीं सुकदी हैगी उह मैनू बाहर पाउणी पैंदी आ, नहीं तां लोड़ ही नहीं, मेरे उपर दे गेड़े हुण घट लगदे आ। एक दिन छड्ड के कपड़े धो दिंदी आ मैं, बहुत ज़्यादा सुख होया मैनू मशीन का। इधर स्टफी के नाल शरारत हो रही, स्टफी बस हर टाइम इदा हों कि मेरे नाल खेडो, जिहड़ा भी आऊगा जाऊगा वो कोल बोल ले के फिरता रहिंदा है कि मेरे नाल खेडो, मैं अगे दौड़ूंगा तुसी पिछे दौड़ो, बस ये तो यही रहिंदा छोटे बच्चों की तरह। घर के विच इक मैनू बस इदा लगता हुंदा जिद्दां कि खिलौना जाए इहनू चाबी दे दो, खेडदा फिरी जांदा, बड़ा क्यूट लगता। हुण मैं जिहड़ियां सीगे बैल्टां ते पर्स सीगा हिमांशु दा अंदर रखण गई हाँ मैं, फालतू जिहड़े लाइटां ने वो बंद कर दूंगी। हिमांशु दे बुक्स सीगे जिहड़े वो मैं उत्थे रखती हाँ मशीन ते। हुण लगी आ भांडे साफ करन, शर्मा जी दा टिफिन भी आ गया सी, ते बाकी जदों आपां कढ़ी बनाउंदे आ काफ़ी भांडे हो जांदे, कढ़ी पकौड़े बनाउण च पिछे शाम दे भांडे ने, चाह पानी वाले जिहड़े पकौड़े पकौड़े बनाए वो काफ़ी भांडा हो गया सी। हुण मैं पहले इन्हां नूं साफ करूँगी। जिस दिन की मैं मशीन ली आ उस दिन का हूँ मेरा कपड़े का खिलारा नहीं पैंदा है, बस मैं जो सुकद नाल दी नाल संभाल दिनी हाँ। पहले तो मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा बेकाबू रेंदे सीगे, जिदन की मशीन आई है ना हालो पटाका पे गड्डा बंब, जिदन की मशीन आई है धमाका हो गया, भांडे साफ कर दते आ। तो हूँ मैं लगी हाँ कढ़ी तड़का लगा, कढ़ी बन गई सी, मैं दूसरे गैस से रखती, गैस का फ्लेम मीडियम करके कि होर पक्की जाऊगी। तो प्याज ले सीगे, जीरा पाया सी, हिंग पाई सी, प्याज हल्के ब्राउन होने तो बाद जिहड़े अपने डेली के मसाले होंदे बस मैं वही पाया, नमक मिर्च हल्दी गर्म मसाला तो धनिया पाउडर सीगा, देगी मिर्च थोड़ी जी लाल मिर्च, तो टमाटर चोपर के विच किते सी, प्याज भी चोपर च किते सीगे, तो हरी मिर्च पाई सी नाल टमाटर के बिच पाती सी, प्याजों से भुल गई सी मैं पानी, बस इन्हों भी चंगी तरह पका लूँगी। वही हुंदा कि जब तक टमाटर तेल ना छड जाए, तड़का तेल ना छड जाए उदों तक तड़का एन वधिया नहीं बनता। तो हुण इहदे विच मैं पा रही हाँ कढ़ी पत्ता सीगा वो पा दूँगी, तो कसूरी मेथी। कढ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी सी, कलर भी तो स्वाद भी बहुत स्वाद सी, कढ़ी एन वधिया कड़ कड़ के, क्योंकि मैं गैस का फ्लेम मीडियम रखता सी, कढ़ी का बस इदा ही हुंदा भी बेसन थोड़ा जिहा पाओ, बाकी उहदे विच लस्सी जिहड़ी आपां बनाने आ लस्सी
लस्सी पा दो खुली जी, बस गैस का फ्लेम कर दो, गैस का फ्लेम कर दो मीडियम, फिर कढ़ी बनी जाती है। तो अज मैं बनाई सी जेडे पकौड़े, आलू पतले पतले कट के, उदा तो मैं आलू प्याज वाले बनानी हूँ। मेरे बच्चे दूजे नहीं खाते जेडे कल बेसन वाले होंगे, बस मेरा यही हों भी मैं जिदन कढ़ी बनानी है बच्चों के लिए भी बना देनी, बच्चे खा लेंगे पकौड़े। तो हूँ बस तड़का हो गया सी तैयार, ये मैं कढ़ी पा दूँगी, बहुत टेस्टी कढ़ी बनी सी। तो मेरी फैमिली के कढ़ी होया साग होया दोनों चीज़ा एन वधिया खाते हैं, इस करके मैं खुली बनानी हाँ कि दो टाइम सर जाए, वैसे भी चावलों नाल कढ़ी ज़्यादा लगती है। ये मैं नवा कुकर लिया सीगा, हुण ये पहली बार कढ़ी बनाई है, उधरों स्टफी नूं अपना रौला पाना होंदा। कढ़ी दे विच मैं पकौड़े भी पाते सी, ते हुण गैस दा फ्लेम मीडियम करके रख दित्ती आ। शबू ना पुत्त, शबू कम करने दो, स्टफी नूं अपना रौला पाना होंदा। तो मैं बोलती उहदियों आप बोलन लग जांदा टिड्डी। ते हुण तेल खत्म होया सीगा कंटेनर दे विच, उह पा दूंगी नाल नाल, जिहड़े मेरे कोई कम सीगे उह करी जांदी आ मैं। शैतान बच्चे ना रौला पाया कर, मैनूं कम करने आ, आई समझ। बस मेरा इदां हुंदा जिहड़ा कम मैनूं दिसी जांदा मैं नाल नाल करी जांदी हुंदी आ। बस इहनूं भी चंगी तरह साफ करके रख दूंगी, हाथ लगे सीगे बेसन वाले जदों मैं तेल पाया सी। नाल दी नाल मैं कर देनी आ सेल्फ साफ। शिपू रौला ना पाया कर पुत्त, मेरी वीडियो च रौला पैंदा। इधर कढ़ी बन के तैयार है, देखो कलर किन्ना वधिया आया और पकौड़े किन्ने सोहने लग रहे। कढ़ी पकौड़ा देख के मुँह च हुण भी पानी आ रहा, पर फिलहाल पई है थोड़ी जी क्योंकि बच्चों शौक है, इस करके फिर मैं वध बनानी हुंदी हाँ। इधरों मेरे कपड़े भी सुक गए सीगे, हुण मशीन चो कढ दूंगी। तो चावल बनने भी मैं रखती सी, कढ़ी बन गई आ, तो जिनी देर च चावल बन गए उन्नी देर च मैं इधर कपड़े सुकने पा दूंगी, तो डिनर अपना तैयार हो जाना। बस इदा ही होंगे कम, नाल नाल कम करते रहो ना निबड़ जाता कम। हूँ मेरा वैसे इन्ना खिलारा नहीं पैंदा, मैं सच्ची कहनी हाँ भी बहुत ज़्यादा मेरा कम हूँ काबू च रहन लगे। अगे मेरा कपड़े का बहुत खिलारा पैंदा सीगा क्योंकि कपड़े ज़्यादा होंगे आ, तो फिर संभाले नहीं जाते सी। हूँ जिदा प्रेस प्रेस का हों, मेरा पहले धोन का भी होंदा सी, किन्ना टाइम लगता सी धोन च। वही बच्चे कह रहे थे कि मम्मी हुण तां सुख हो गया, मैं क्या हाँ सच्ची बहुत सुख है। बस हुण मैं स्टैंड ते इत्थे कपड़े पा देने, जिहड़े हल्के हल्के कपड़े होंदे उह सवेर तक सारे सुके होंदे आ, ते जिहड़ी कोई पेंट पुंट रहिंदी मैं बाहर गैलरी च पा देनी, उपर मैनूं जाण दी इन्नी लोड़ ही नहीं पैंदी। बस हुण मैं पा देने फटाफट कपड़े सुकने, पहले मैं स्टैंड ते कपड़ा मार दूंगी, जो भी माड़ी मोटी डस्ट हुंदी आ साफ हो जाती है, फिर कपड़े उल्टे करके सारे सुकने पा देनी आ। जो मैं मशीन लैन तो पहला बहुत सोचा, यही लगता सी कि पता नहीं मशीन च कपड़े निखरनगे नहीं निखरनगे, बहुत ज़्यादा सीगा भी पानी बिजली का खर्चा होगा, जिदा जिदा सारे कहिंदे सी सुनी जांदे सी। पर जिदन दी मैं ली है मैनूं तो बहुत सुख, अगे मैनूं पता नहीं की होना, पर हुण फिलहाल बहुत सही है। अगर कोई लेना चाहे तो लेनी चाहिए है, टॉप लोड नालों फ्रंट लोड वाली ज़्यादा वधिया रहिंदी है, क्योंकि मैं भी सारियां बहुत वीडियो देखिया सीगा कि कड़ी मशीन ज़्यादा सही है, तो ये कपड़े वधिया निखरते, आप ही पानी गर्म भी करती है, बहुत सही लग्या मैनू। बाकी सब की अपनी अपनी सोच होंदी है, पर मैनू बहुत सुख होया, इस करके मैं खुश हाँ कि मैं सही डिसीजन लिया। उदा अद्धो अद्ध का फर्क पैंदा फ्रंट लोड टॉप लोड वाली च, जिहड़ी उपरों खुलदी उहनूं टॉप लोड वाली कहिंदे आ, उह चारे च पैसों का बहुत फर्क आ। पर मैं ही सोचा कि महंगा रोवे एक बार सस्ता रोवे बार बार, इस करके हूँ जिदा शर्टा वगैरह ने इन्हों तो पखा चला दो घंटे के बच्चे चंकी तरह सुक जाने। वैसे भी ये जी अपनी दूसरी होंगी सेमी आटोमैटिक मशीन ना, ये ज़्यादा वधिया कपड़े सुखाती है, वो फिर भी सिले सिले कपड़े रेंदे से, इन्हें नहीं रेंदे जैन सुक देंगे। कहते जिन्ना गुड़ पाओ उन्ना ही मिठा हों, बस ए सोच लो। और चलो जी, अगर आप जी ने मेरी अज की वीडियो वधिया लगी प्लीज़ लाइक शेयर सबसक्राइब जरूर कर लियो। अगर आप जी ने मेरी रियल लाइफ दे ब्लॉग बढ़िया लगते हैं तो लाइक कर दिया करो। बाय बाय।